वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने चिली पोटैटोस बनाए हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। तो बिना देर करे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चलिए। चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उन्हें अच्छे से लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और 3-4 बार अच्छे से पानी में इन्हें धो लिया है ताकि इसका सारा स्टार्च चला जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनकी बॉइलिंग का प्रोसेस। मैंने इधर पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब उसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। मैंने पोटैटोस का पानी सारा निकाल लिया है और ये उबलते हुए पानी में इन्हें डाल लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। पोटैटोस को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। 2 चम्मच राइस फ्लोर और 2 चम्मच मैदा डाल लिया है। अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे हम ऐसे। ये अच्छे से कोट हो जाएंगे। हमारे पोटैटोस अच्छे से कोट हो चुके हैं मैदा और राइस फ्लोर से। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और पोटैटोस को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम पोटैटोस को फ्राई करेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखिए पोटैटोस अभी थोड़ा लाइट गोल्डन हो चुके हैं और थोड़ा हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे डबल फ्राई नहीं करना है, मैं इसे सिंगल ही फ्राई करूंगी बस। और थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा सा हो जाए निकाल दूंगी। हमें इसे सिर्फ 1.5 मिनट तक ही फ्राई करना है। देखिए हमारे पोटैटोस हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल दूंगी। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रेंच फ्राई की तरह है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है ये। हम ऐसे ही और एक बैच को तल लेंगे। सारे पोटैटोस को मैंने फ्राई कर लिया है। चिली पोटैटोस की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। एक बड़े साइज का ऑनियन मैं इसमें डाल दूँगी और 4 ग्रीन चिली डालूंगी अच्छे से लंबी सी स्लाइसेस में और थोड़ी सी शिमला मिर्च। हाई फ्लेम पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे मैंने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी या सिर्फ गार्लिक भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला। थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालूंगी। ये डार्क सोया सॉस है, मैं हाफ टीस्पून डालूंगी। मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालूंगी, 2 टेबलस्पून। अच्छे से इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से हो चुका है। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से घोल बना लिया है और इसमें डाल दूंगी। हमने कॉर्नस्टार्च डाला है तो हमारी ग्रेवी अच्छी सी थिक हो चुकी है। देखिए अब इसमें मैं नमक डालूंगी। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया, हम हरा धनिया लास्ट में डालेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी ग्रेवी अब अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हमारे फ्राइज को हम इसमें डाल लेंगे। अच्छे से हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते जाएंगे। सिर्फ हमें इसे थोड़ा ही भूनना है बस। मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। देखिए हमारी चिली पोटैटो रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।